आज हम बात करेंगे समंदर की दुनिया के दो ऐसे दानवों के बारे में जिनकी सिर्फ आहट से ही समंदर में खलबली मच जाती है। मैं बात कर रहा हूँ खारे पानी के मगरमच्छ और व्हाइट शार्क के बारे में। ये जिधर से गुजरते हैं मौत का तांडव करते चलते हैं, और जो एक बार इनके हत्थे चढ़ गया उसे तो फिर कोई चमत्कार भी नहीं बचा सकता। मगर जरा सोचिए, समुद्री तबाही के देवता माने जाने वाले ये दो खूंखार शिकारी जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कैसा भयंकर होगा वो मंजर। जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो किसकी होगी जीत और कौन चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इन दोनों समुद्री शैतानों की खूबियों और कमियों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों में होने वाली भिड़त के नतीजे तक पहुंचना आसान हो जाए। तो चलिए पहले बात करते हैं मगरमच्छ के बारे में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। खारे पानी का मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है और माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी प्रजातियों में इनका नाम भी शुमार है। शांति से पानी में घात लगाकर बैठा ये जीव जब किनारे पर आए पानी पीने वाले जीवों पर बिजली की तेजी के साथ टूट पड़ता है तो उस वक्त ऐसा लगता है मानो कयामत आ गई हो। ये समुद्री शैतान जितना बड़ा शिकारी है उससे कहीं ज्यादा निर्दयी भी है। ये अपने सामने आए किसी भी जानवर को नहीं बख्शता। पेट पूजा कर लेने के बाद भी ये बेवजह शिकार करने से पीछे नहीं हटता, इसलिए किसी भी समय इसके पास जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। अब जरा व्हाइट शार्क पर नजर डालते हैं। व्हाइट शार्क दुनिया की सबसे खौफनाक और नरभक्षी मछली है। शार्क मछली जैसा मासूम वर्ड तो इसके लिए यूज होना ही नहीं चाहिए, इसे तो खूंखार दानव कहा जाना चाहिए। समंदर में आतंक का दूसरा नाम है शार्क। इसे सबसे ज्यादा तो इंसान का ही खून पसंद आता है, इसलिए इंसानों के लिए समंदर में सबसे बड़ा खतरा ये शार्क्स ही होती है। ये ऐसी खतरनाक शिकारी है जिनका वार कभी खाली नहीं जाता। ये बस अपना शिकार देखती है और पलक झपकते ही उसे निगल जाती है। दूर से देखने पर तो दोनों ही पहलवान बराबर की टक्कर के लग रहे हैं। चलिए अब जरा बारीकी से कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर इन दोनों को परखा जाए। साइज। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स हैं। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो इनकी लंबाई होती है करीब 15 फीट के आसपास, यानी एक 6 फीट के एक लंबे तगड़े आदमी से 2.5 गुना ज्यादा, और वजन करीब 1300 से 1400 किलो के आसपास, यानी लगभग एक कार के वजन के बराबर। अब आप समझ सकते हैं मैं बार बार इन्हें दानव क्यों कह रहा हूँ। अब जब शरीर इतना बड़ा है तो भूख भी तो ज्यादा लगती होगी। इनके इतने ज्यादा हिंसक और खूंखार होने के पीछे इनका ये पहाड़ जैसा शरीर ही रिस्पॉन्सिबल है। व्हाइट शार्क की लेंथ भी लगभग क्रोकोडाइल के बराबर ही होती है, यानी 15 फीट के आसपास, मगर कुछ शार्क्स 20 फीट तक भी लंबी हो सकती है। हाँ, मगर वजन के मामले में ये क्रोकोडाइल से काफी आगे है। इसका वजन होता है करीब 2300 किलो के आसपास, यानी 1000 किलो ज्यादा। तो अगर वजन के मामले में इनकी टक्कर की जाए तो शार्क क्रोकोडाइल से जीत जाएगी। गुस्सा। गुस्से की बात करें तो ये चीज तो क्रोकोडाइल की नाक पर हर समय बैठी रहती है। ये हर समय ही शिकार पर हमला करने के लिए उतारू रहते हैं। एक स्टडी में ये बात निकल कर आई है कि क्रोकोडाइल हर साल करीब 1000 से ज्यादा इंसानों को अपनी हैवानियत का शिकार बना लेते हैं, और इसलिए भाई साहब जिंदगी में कभी भी बीच या नदियों के किनारे जाओ और अगर ये महाशय दिख जाए तो इनसे नजदीकी बढ़ाने की या दोस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना ये कब चीर फाड़ कर देगा पता भी नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ शार्क गुस्से के मामले में थोड़ी ज्यादा समझदार होती है। ये हर समय गुस्सा नहीं करती और बेवजह शिकार भी नहीं करती, यानी क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में शार्क थोड़ी सी फ्रेंडली नेचर की होती है, मगर जब इन्हें गुस्सा आता है तब समंदर ही क्या पूरा आसमान भी दहल जाता है। मगर फिर भी गुस्से के मामले में क्रोकोडाइल शार्क से कहीं आगे है। जबड़े की ताकत। माना जाता है कि धरती पर रहने वाले सारे जानवरों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है, शेर या चीता जैसे दूसरे शिकारी जानवरों से भी ज्यादा। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 3700 PSI। PSI बाइट फोर्स नापने की एक यूनिट है। बस यूँ समझ लीजिए कि जो एक बार इनके जबड़े में किसी का सिर फंस गया तो यमराज भी आकर फिर उसको नहीं बचा सकते। अंदर सिर जाएगा और बाहर निकलेगा खोपड़ी की हड्डी का चूरा। इस जानवर ने सचमुच हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी है। अब अगर हम बात करें शार्क की तो माता जी तो क्रोकोडाइल से भी दो कदम आगे है। इनका बाइट फोर्स होता है करीब 4000 PSI,
इस पूरे प्लैनेट पर इससे मजबूत जबड़ा और इससे ज्यादा बाइट फोर्स और किसी जानवर, पक्षी या मछली का नहीं होता। वैसे तो इनके मुंह में मौजूद ये लंबे लंबे नुकीले दांत और इनकी सिर हिलाने की काबिलियत ही काफी है शिकार का दम निकालने के लिए, मगर जब जरूरत पड़ती है तो ये 4000 PSI जितना खतरनाक बाइट फोर्स भी लगा सकती है। यानी क्रोकोडाइल भी अगर शार्क के हत्थे चढ़ गया तो धूल मिट्टी बन जाएगा। स्पीड, अब बात करते हैं पानी में इनकी स्पीड के बारे में। वैसे तो मगरमच्छ बड़े ही आलसी और सुस्त किस्म के जानवर है जो ज्यादातर टाइम बस कीचड़ में पड़ा रहता है, मगर जब बात शिकार करने की आती है तो भगवान जाने कहां से इसके अंदर इतनी स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है कि कुछ ही सेकंड्स में इसकी स्पीड करीब 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। शिकार करने का ऐसा भी क्या शौक होना कि जान छोड़कर भागने लगो, मगर क्रोकोडाइल भाई साहब आप भले कितना ही तेज दौड़ लो शार्क के मुकाबले में बच्चे ही रहोगे। शार्क की शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि वे पानी के अंदर करीब 55 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, अगर इन दोनों की रेस करवा दी जाए तो दोनों एक साथ एक फ्रेम में दिखाई भी नहीं देंगे। इंटेलिजेंस, क्रोकोडाइल्स पर की गई रिसर्चेस में ये बात साबित हो चुकी है कि ये जीव बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्रोकोडाइल अपने बच्चों को पालने के लिए जिस तरह की फैमिली और न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से उनका ग्रुप अपने शिकार को फंसाने के स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनका जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का यूनिक तरीके होते हैं, ये सारी बातें मिलकर बताती है कि क्रोकोडाइल की खोपड़ी में भूसा नहीं बल्कि एक तेज तर्रार दिमाग है। वही शार्क की इंटेलिजेंस की भी पूरे समंदर में मिसालें दी जाती है। ये मछली कुछ ज्यादा क्यूरियस होती है और कई मौकों पर सोशल बिहेवियर भी शो करती है। इंटेलिजेंस के मामले में तो दोनों ही क्रिएचर लगभग बराबर ही लग रहे हैं। हंटिंग स्किल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसे लड़ाई की एनालिसिस करते वक्त परखा जाना बहुत जरूरी है। शिकार करने के मामले में क्रोकोडाइल का कोई तोड़ नहीं है। ये इंतजार करते हैं और पानी पीने आए किसी भी जानवर पर इतनी तेज झपट्टा मारते हैं कि बेचारा संभल ही नहीं पाता। यह आतंकवादी शिकारी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे सामने हिरन हो या बाघ या खुद जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, डेयरिंग तो ये दिखा ही जाता है। इसके लपेटे में आ गए तो जीने का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार तो मगरमच्छ को शार्क के ऊपर भी हमला करते देखा गया है। यानी ये तो छोटे बड़े किसी का भी लिहाज नहीं करता। अगर आप इसके सामने आए और आप जिंदा है तो ये आपकी गलती है और आपको अपनी गलती की सजा बराबर मिलेगी। अगर शार्क की बात की जाए तो इनके नुकीले दांत और इसकी रफ्तार इसे भी एक खूंखार शिकारी बनाती है, मगर शार्क क्रोकोडाइल जितनी खूंखार और आक्रामक नहीं होती, हर किसी से बेवजह पंगे नहीं लेती। हाँ, मगर अपने शिकार को कोसों दूर से सूंघ कर ही पहचान लेती है और समझ जाती है कि आज डिनर में क्या खाने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे जीवों के शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी आसानी से भांप लेती है और उनकी दूरी का अंदाजा लगा लेती है। यानी शार्क बड़े साइंटिफिक तरीके से शिकार करती है जबकि मगरमच्छ संकी सिपाहियों की तरह। इतना ही नहीं, शार्क 100 लीटर पानी में पड़ा एक बूंद खून भी पहचान लेती है और उसे सूंघकर शिकार तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्हें इंसानी खून बहुत अच्छा लगता है जो इन्हें कभी भी कहीं भी नरभक्षी बना सकता है। स्पेशल फीचर्स, क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये हमेशा पानी की सतह पर रहकर शिकार करते हैं। ये अपनी आँख, कान और नथुनों को पानी की सतह के ऊपर रखकर शिकार का इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी के अंदर एक घंटे से ज्यादा समय तक सांस रोककर रख सकते हैं और ये स्किल इन्हें शिकार करने में बड़ी मददगार साबित होती है। वही शार्क के स्पेशल फीचर में आता है इसका ब्लू व्हाइट कलर जो पानी के अंदर गहराई में इसे छिपने में बड़ी मदद करता है। तो अगर लड़ाई गहरे खुले समंदर में होती है तो फिर शार्क को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक तो वो दिखाई ही नहीं देगी और फिर किसी भी कोने से आकर अपने नुकीले दांतों से क्रोकोडाइल के शरीर के टुकड़े कर देगी। हाँ, मगर अगर लड़ाई किनारे पर होती है तो फिर मगरमच्छ शार्क को कड़ी टक्कर दे सकता है। दोनों समुद्री आतंकवादियों के बारे में इतना कुछ जानने समझने के बाद एक बात तो समझ आती है कि धरती पर रहने वाले जीवों के लिए भले ही क्रोकोडाइल मौत का पैगाम हो, मगर पानी के अंदर तो शार्क ही राज करती है। स्पीड, साइज और बाइट फोर्स के मुकाबले में शार्क क्रोकोडाइल से कोसों आगे है। तो वही हंटिंग स्किल्स, गुस्सा और पानी की सतह पर लड़ने की ताकत में क्रोकोडाइल का कोई मुकाबला नहीं है। इंटेलिजेंस में तो दोनों लगभग बराबर ही है, तो अगर इनकी भिड़त होती भी है तो शार्क के पास वो सारी कलाएं मौजूद है जिनसे वो मगरमच्छ को धूल चटा सकती है। बस शर्त इतनी है कि वो क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स का शिकार ना हो जाए, वरना मगरमच्छ
दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। ये तो रही मेरी एनालिसिस, अब आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जब ये डेडली सी एनिमल्स आपस में टकराएंगे तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या शार्क मगरमच्छ के ऊपर बाजी मार जाएगी या मगरमच्छ शार्क का शिकार कर लेगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।